नीतीश ने इधर फैसला लिया, दूसरे तरफ सोशल मीडिया पर बिहार ट्रेंडिंग में आ गया, बिहार नंबर वन पर ट्रेंडिंग में। और ये क्यों? क्योंकि बिहार में सरकार की नाकामियों के साथ साथ शिक्षकों ने फिर से आंदोलन की शुरुआत कर दी। अभी देश भर में नीट के मामले में ऐसे ही छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है, और अब शिक्षकों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फिर से दिखने लगा। शिक्षकों ने मुहिम की शुरुआत कर दी है, और सीधे तौर पर अब से कुछ देर पहले देश भर के अंदर बिहार को लेकर बिहार शिक्षक मंच के जो लोग हैं वो सुर्खियों में हैं, और बिहार बिहार सरकार ट्रेंडिंग में है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि आंचल लिख रही है बिहार सरकार किस निंद्रा में सो रही है, यही तो महिला सुरक्षा, कैसी निकम्मी पुलिस है, @ सम्राट चौधरी बीजेपी @ नीतीश कुमार, 11 जून से लापता लड़की को नहीं खोज पाई पुलिस, अब दुर्भाग्यवश शव मिलने के बाद किसका इंतजार कर रहे हैं, आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए, श्रेया को न्याय दो, औरंगाबाद की यह खबर है। इसके बाद बिहार शिक्षक मंच ने सीधे तौर पर नीतीश सरकार के ऊपर आरोप लगाया है, बिहार सरकार में कुल 4,72,976 पद खाली हैं, सभी भर्तियां जल्द डोमिसाइल लागू करके हो ताकि बिहार के अभ्यर्थियों को ज्यादा नौकरी मिल सके। नीतीश कुमार JDOOnline@BJP of Bihar, उनके लिए सूचना है। और सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि बिहार के किन किन जगहों पर जो खाली पद है उसको भरना है, तो बिहार में 4,72,976 पदों को भरने के लिए नीतीश कुमार से लोग अपील कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू करके इस तरीके की मुहिम को चलाएं। दूसरी तरफ सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया कि बिहार सरकार में कुल 4,72,976 पद हैं जिसका अद्यतन करना है, रिक्तियों पर डोमिसाइल लागू हो यह अपील भी की जा रही है। इधर बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित केस का अनुसंधान CBI से कराने की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी, उम्मीद अब सुशांत को न्याय मिल जाएगा, क्योंकि अब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला, 4वीं बरसी भी गुजर गई लेकिन कोई असर होते हुए नहीं दिख रहा सुशांत सिंह मामले में सुनवाई के दौरान। इधर बिहार सरकार में भर्ती को लेकर लगातार जो है शिक्षकों का जो प्रदर्शन है वो सोशल मीडिया पर हो रहा है। बिहार सरकार के द्वारा डोमिसाइल हटाना निश्चित ही बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए घातक कदम है, जहां सभी राज्य अपने राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए सोचते हैं वहीं बिहार बस अपने राज्य से बाहर मजदूर बिहारियों को बनाता है, और बाहर जाकर जो लोग बिहारी मजदूरी करते हैं वो जाकर बिहार का नाम किस तरीके से रोशन करेंगे, ऐसे में सोचने की जरूरत है। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है, कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा डोमिसाइल हटाना निश्चय ही बिहार शिक्षकों के लिए घातक कदम है। आगे लिखा जा रहा है #DomicileInBihar, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपसे आग्रह है कि BPSC Tri-3 में डोमिसाइल लगाए या 90% रिजर्वेशन ऑफ बिहार के लोगों के लिए कर दे, आप 90% तक बिहार के लिए जो नौजवान है जो अभ्यर्थी है उनके रिजर्वेशन की बात करें जिससे Tri-3 और 4 में डोमिसाइल लागू हो सके, नहीं तो डोमिसाइल लागू के बराबर ही बिहार के अभ्यर्थियों को उनका हक मिल पाए। आगे लिख रहे हैं कि Tri-4 में 100% डोमिसाइल लागू करें, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम पुरजोर तरीके से आपका विरोध करेंगे। आसिफ अली हैं जिन्होंने यह बातें लिखी है, उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को सचेत किया है, चेतावनी देते कहा है कि अगर इस तरीके की बातें नहीं होगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीधे तौर पर नीतीश कुमार के सामने नीतीश कुमार की जो समीक्षा बैठक में यह तमाम बातें कही जा रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।